हेलो एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है बिगिनर्स मेकअप किट के ऊपर। तो बिगिनर्स के लिए क्या क्या चाहिए, वो अगर मेकअप करना चाहते हैं तो क्या क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, बेसिक कौन सा चीज़ चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, तो उसके लिए आज ये वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट पूरा देखना, बिल्कुल भी मत स्किप करना, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑप्शंस भी देने वाली हूँ। अफोर्डेबल ऑप्शन भी दूंगी और थोड़ा मिड रेंज ऑप्शन भी दूंगी, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो ये रहा मेकअप किट फॉर बिगिनर्स। तो देख लेते हैं इसमें अभी क्या क्या है, एकदम भर के है क्योंकि मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स भी है ऑप्शंस। तो इसको खोल लेते हैं और देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके बताना स्टार्ट कर रही हूँ। महबूबा मैं तेरी महबूबा। तो आपको मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना चाहिए, टोनर अप्लाई करना चाहिए और उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। तो फेस वॉश, टोनर और मॉइस्चराइजर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप उससे देख सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया है ब्लू हेवन का प्राइमर। तो ब्लू हेवन प्राइमर ये परफेक्ट बेस फॉर लॉन्ग स्टे मेकअप है, फिल्स करता है आपको पोर्स को और फाइन लाइंस को। ये सिल्क मैट फिनिश है, तो इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है। इसका टेक्सचर ऐसे, इसको अच्छे से ऐसा करने से आपका स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो प्राइमर हमें फर्स्ट यूज़ करना है, क्योंकि बेस के ऊपर हम लोग को काम करना इजी होता है। तो प्राइमर के बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है, जो कि है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं ऑप्शन दे रही हूँ फिट मी फाउंडेशन। ये मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन है, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फाउंडेशन है और इसमें SPF 22 भी होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मेरा शेड नंबर है 128। तो मेकअप में फर्स्ट क्या चाहिए, वो आपको चाहिए एक प्राइमर होना चाहिए आपके पास, जो बहुत ही ज़रूरी है अगर आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो। अगर आप बिगिनर्स है, फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। पॉन्स का बीबी क्रीम है, लैक्मे का है। फाउंडेशन हो गया, उसके बाद हम लोग को अपने जो आई के नीचे है, जो डार्क सर्कल होते हैं, उनको हमको कवर अप करना होता है और थोड़ा आई के ये पोर्शन हम लोग को थोड़ा हाईलाइटेड भी करना है। तो इसके लिए मैंने एलेगल प्रो कंसीलर मैंने लिया है, जो मेरे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने ये पर्पल से लिया था आई हार्ट ब्यूटी सेल में। तो ये मेरा शेड है लाइट आइवरी, जो बहुत ही अच्छा है, लाइट आइवरी है। तो ये आप कंसीलर के लिए ये यूज़ कर सकते हैं और हाथ से भी ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास मेकअप ब्रश और या स्पंज आपके पास हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अफोर्डेबल ऑप्शन में मैं बोलूँगी आप NYB का, स्विस ब्यूटी का आप यूज़ कर सकते हैं कंसीलर। नेक्स्ट आपका प्राइमर हो गया, फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, अब आपको फेस को सेट करना है पाउडर से, मतलब आपका प्रोडक्ट सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाए, तो उसके लिए क्रीज ना करे, अच्छा स्मूथ मैट फिनिश दे। तो उसके लिए मैं आपको दो कॉम्पैक्ट पाउडर बोल रही हूँ। एक है मी कॉम्पैक्ट पाउडर, इसमें भी मेरा शेड है लाइट आइवरी। तो ऑलरेडी मैंने इसका बहुत सारा ख़त्म ही कर दिया है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और इसमें भी SPF है 28 PA ट्रिपल प्लस है। और एक ऑप्शन है, वो है ममर अर्थ, बहुत अच्छा है। इसमें ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट है, विटामिन सी है एंड मेड सेफ है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इसमें SPF 30 है और मेरा शेड नंबर है 02 क्रीम ग्लो। 9 ग्राम प्रोडक्ट है, तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्पैक्ट है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। आप अगर फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इसको भी मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप इसको लगा के आप कहीं पर जा सकते हैं। तो इसमें SPF 30 है, जिससे सन प्रोटेक्शन भी हो जाएगा और साथ में आपको लाइट एक कवरेज भी मिलेगा। उसके बाद आपका फुल फेस एकदम सेम हो गया, उसको थोड़ा डायमेंशन देना है, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए एक कंटूर और हाइलाइटर ब्लश पैलेट। तो मैं SFR कलर का
पैलेट बोल रही हूँ, तो इसका शेड, इसका नंबर है 02, मेरा पैलेट का नंबर है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक ब्रश भी मिलता है और उसके साथ आपको एक ब्रॉन्ज़र मिल जाएगा, ये जैसे ब्रॉन्ज़र मिल जाएगा, एक ब्लश शेड मिल जाएगा, एक कॉन्टोर शेड मिल जाएगा और एक हाइलाइटिंग का शेड मिल जाएगा। तो आपके पास ना, अगर आप बिगिनर हो तो आप ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिसमें एक पैलेट में सब कुछ हो। आप डिफरेंट ब्लश, डिफरेंट कॉन्टोर, डिफरेंट हाइलाइटर ऐसा मत खरीदो। आप एक ऐसा एक पैलेट चूज़ करो जिसके अंदर सब कुछ है। तो SFR का, नायका का, बहुत सारे ऐसे ब्रांड का है। तो आपसे आपका फुल फेस भी हो सकता है और आप इसको यूज़ करके अपना आई मेकअप भी कर सकते हैं। अलग आई शेडो का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक आई शेडो का अफोर्डेबल ऑप्शन मैं बोल रही हूँ, स्विस ब्यूटी का। ऑलरेडी आपने मेरा नायका हॉल देखा है, मतलब नायका सेल जो मैंने जो लिया था, परचेस किया है, उसमें मैंने दिखाया था। अभी भी मैंने स्वच नहीं किया है, मैंने आपके साथ ही मैं इसका स्वच शेयर करूंगी और इससे आई लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट, जो वर्सेटाइल पैलेट है, मैंने बोला है। इससे भी आप अपना आई लुक बोलिए या फिर जो ब्रॉन्जर, कंट्रोलिंग और आपका हाइलाइटर शेड और ब्लश शेड भी इससे ही हो सकता है। तो मैं सब लुक्स आपको बहुत ही जल्दी शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं सामने और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ जो आपके लिए रियली बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसमें मेरा शेड नंबर है 2। तो आई शेडो हो गया, उसके बाद आपको करना है आई लाइनर। तो आई लाइनर के लिए मुझे अफोर्डेबल मैंने ऑप्शन बोला है डेजलर का, ये 40 रुपीज़ है। एक्मी का यूज़ कर सकते हैं, NYB का यूज़ कर सकते हैं, और मैं थोड़ा मिड रेंज में बोलूँगी वो है मेबलिन का, जो मेरा लास्ट मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने बोला था, पर्पल से मैंने लिया था वो कंसीलर। और ये वाटरप्रूफ भी है, स्मच प्रूफ भी है और ये 24 आवर लास्ट करता है। देखिए मेरा, मैंने ऑलरेडी ये, उससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था वो पर्पल का अनबॉक्सिंग वीडियो, तो उसमें उसके बाद मैंने अपना खाना पकाया, खाया, उसके बाद मैंने बर्तन भी धोया, लेकिन अभी भी ये एकदम टस से मस नहीं हुआ। तो आप जो जिनका स्किन ऑयली है और बहुत स्वेट करते हैं, गर्मी है इतना स्वेट तो हो गई, तो वो मैं बोलती हूँ एक आप ना एक अच्छा वाला वाटरप्रूफ स्मच प्रूफ आईलाइनर में आप इन्वेस्ट करो। आईब्रो पेंसिल, तो ये आईब्रो पेंसिल मेरा स्विस ब्यूटी का है, तो ये ब्राउन कलर का है, ये कलर ब्राउन कलर है। आपको कभी ना ऐसे ब्लैक कलर का आईब्रो प्रोडक्ट आपको नहीं लेना चाहिए, आपको ब्राउन या फिर ग्रे कलर में खरीदना चाहिए। आपका भी बहुत सारे पर्पसेस है, मैं सामने वीडियो में बोलूँगी। आईब्रो के लिए आप आईब्रो पेंसिल खरीदोगे ना, तो उसमें आप देख लेना कि ब्रश ऐसा कुछ हो जिससे आप अपना आईब्रो को अच्छे से कोम करके एक अच्छा शेप दे सको। तो ये होना चाहिए सबके पास, एक मस्ट। आप अगर मेकअप करना चाहते हो, आपके पास आईब्रो पेंसिल या आईब्रो पोमेड बहुत कुछ है, हाई एंड ब्रांड का भी मिल जाता है, मिड रेंज का भी। मैं अफोर्डेबल ऑप्शन में मैं तो यही यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। तो कितना ख़त्म भी हो गया, बहुत बड़ा था ये, ख़त्म कर दिया मैंने। मैं टोटल सब कुछ आई के ऊपर ही बता रही हूँ। तो आईब्रो पेंसिल हो गया, उसके बाद मैं बोल रही हूँ 2 पेंसिल्स आपको चाहिए। एक काजल है, तो ये मेरा काजल है NYB का, ब्लैक, एकदम जेट ब्लैक है, ये बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस इतना नहीं है, 70-80 ऐसा रुपीज़ होगा। ये प्राइस क्लेम करता है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, स्मच प्रूफ है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो ये द बिग एप्पल ऑफ माय आई NYB का है। आप ये अफोर्डेबल ऑप्शन में आप ये देख सकते हैं, नहीं तो और भी अच्छे काजल है। फिसिस का मैं बोलूँगी काजल अच्छा है, मेबलिन का काजल अच्छा है, प्लम का अच्छा है, के ब्यूटी का अच्छा है। तो आप ये भी देख सकते हैं, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास एक ब्लैक पेंसिल हो गया और उसके साथ आपको एक वाइट पेंसिल भी चाहिए। तो आप जिसका आई थोड़ा छोटा है, थोड़ा स्मॉल आईज है, उनको थोड़ा आई को बिग कराने के लिए एक वाइट पेंसिल चाहिए, और वेरियस पर्पस भी है उसके लिए, आपके पास एक ब्लैक एंड एक वाइट तो होना ही चाहिए। उसके बाद आती हूँ मैं मस्कारा के ऑप्शन में। तो 2 मैंने लिया है, एक अफोर्डेबल वन। तो अफोर्डेबल वन में मैंने किस ब्यूटी का मस्कारा,
कि इसका दाम बहुत ही कम होगा, 70-80 रुपीज़ ऐसा होगा। इसका मस्कारा है, मतलब आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा लो है तो आप ये किस ब्यूटी का मस्कारा यूज़ कर सकते हो, और विदाउट मस्कारा भी आई लैश को अच्छा दिखा सकते हो, वो भी फ्यूचर में बोलूँगी मैं। तो ये मेरा अफोर्डेबल वाला ऑप्शन है। और मैं अगर थोड़ा मिड रेंज में बोलूँगी तो मैं मेबलिन का लैश सेंसेशनल वाटरप्रूफ मस्कारा, ये वाटरप्रूफ है जो गर्मी के लिए अच्छा है। आई मेकअप का बात जब होता है तो मैं आईलाइनर एंड मस्कारा के लिए मैं वाटरप्रूफ ही मैं सजेस्ट करूँगी, वो ही अच्छा है। अगर आप पार्टी में जा रहे हो और आप रेगुलर बेसिस में कहीं जा रहे हो 2-3 घंटे के लिए, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ लगाओ या ना लगाओ, थोड़ा लिपस्टिक लगा लो, वैसे ही आप खूबसूरत दिखोगे। तो लिपस्टिक तो गर्ल के लिए होना ही चाहिए, सबके पास होना चाहिए। तो पहले हमें लिप लाइनर चाहिए। तो हमेशा लिप लाइनर चाहिए होता है क्या? नहीं, मैं तो ज़्यादातर नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास अगर आप एक अपना मेकअप किट बना रहे हो तो आपके पास एक लिप पेंसिल होना ही चाहिए। तो मैं एक अफोर्डेबल में मैं बोल रही हूँ, ये मेरा मस्टिक फॉर आईज एंड लिप्स। तो ये बोथ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये आई के लिए भी है और आप लिप लाइनर एज ए लिप लाइनर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका रुपीज़ होगा 40-50 ऐसा ही होगा, तो अफोर्डेबल ये है। नेक्स्ट मैं और एक लिप लाइनर बोलना चाहती हूँ, वो है ओरिफ्लेम का D1 कलर स्टाइलिश लिप लाइनर। तो इसका शेड बहुत ही अच्छा है, ये है स्मोक रेड, मुझे बहुत पसंद है इसका शेड। देखिए ये स्मोक रेड है, अगर मैं थोड़ा दिखा देती हूँ, स्मोक रेड है इसका शेड, है नॉटी रेड है। लिप लाइनर के बाद अभी हम बढ़ते हैं लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक के लिए मेरा 3 ऑप्शंस है। तो फर्स्ट मैं एक बुलेट लिपस्टिक आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि एक न्यूट शेड है। ये बहुत ही खूबसूरत शेड है, ये NYB का लिपस्टिक है, नंबर 5 है इसका, और इसका शायद नाम है जोई डज नॉट शेयर माई लिप, मुझे नहीं दिख रहा है अभी, यही इसका नाम है। तो ये बहुत ही अच्छा शेड है, एक न्यूड शेड, आप अपना ऑफिस या कॉलेज गोइंग गर्ल्स ये थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं आपके लिप को थोड़ा अच्छा अपीयरेंस के लिए। तो ये एक मैं आपके मेकअप किट के अंदर एक न्यूड शेड का लिपस्टिक तो होना ही चाहिए। उसके बाद मैं बुलेट ऑप्शन में और एक मेरा बहुत ही पसंदीदा मेरा लिपस्टिक, ये स्विस ब्यूटी का है, ये शेड नंबर 6 है, प्लम हाउस। तो ये एक मैग्नेटिक बॉक्स में आता है, ये खुद ब खुद लग जाता है ऐसे। तो इसका शेड ही बहुत सुंदर है, ये प्लम शेड है। तो मैं ये बहुत अच्छा है, ये मैट है, ये बुलेट लिपस्टिक है, लेकिन आपके लिप्स को ऐसे ट्रांसफ़र ज़्यादा नहीं करता, लिटल ट्रांसफ़र करता है। तो मैं बोलूँगी ये अच्छा है, ड्राई लिप्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते। मेरा फेस कॉम्बिनेशन टू ऑयली है, लेकिन मेरा लिप्स ड्राई है, तो ये मैं बोलती हूँ ये मेरे लिए बहुत ही कम्फर्टेबल है। लिक्विड लिपस्टिक का ऑप्शन बोल रही हूँ, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, ये बेलोरा पेरिस का है, लिव नो एविडेंस मैट लिक्विड लिपस्टिक एनरिच्ड विथ होहोबा ऑयल एंड शिया बटर। तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है टू माई सेल्फ, तो ये बहुत ही मुझे पसंद है। इसका कलर है मॉव प्लम, इसका कलर है मॉव प्लम, जो मेरा बहुत सारे वीडियोस में मैं ये लिप शेड यूज़ करती हूँ। मेरा फर्स्ट वीडियो DIY जो वीडियो है ना फेस वॉश का, उसमें भी मैंने यही लिप कलर यूज़ किया था, ये मेरा बहुत फेवरेट है। तो इसमें 2 फुट एप्लीकेटर आ जाता है, देखिए बहुत ही अच्छा, मैं यहाँ पर भी एक थोड़ा दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर कलर है। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, ये लिक्विड लिपस्टिक का ना फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, और साथ ही साथ ये नॉन ट्रांसफर भी है, और आपके कंफर्टेबली आपके लिप्स में रहता है।
अगर इसका प्राइस बोलूँ, ये 599 में है, लेकिन मुझे ऑफ़र में मिला था 500 समथिंग में लिया था, लेकिन इतना नहीं, सब कुछ ही मैं ऑफ़र में ही आपको ख़रीदना है। आप देखो कब कौन सा ऐप में क्या ऑफ दे रहा है, आप उसके लिए वेट करो और तब अपना ऑर्डर प्लेस कर दो, तो थोड़ा आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको चाहिए एक मेकअप फिक्सर। नायका हॉट पिंक सेल में ये मेकअप फिक्सर लिया था, जो कि स्विस ब्यूटी का है, मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विद विटामिन ई। तो आप मेरा वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो आपको एक मेकअप फिक्सर चाहिए, अगर आप बिगिनर है, अगर आप थोड़े ऐसे सिंपल मेकअप करते हैं, तो इतना आपको आपको नहीं चाहिए मेकअप फिक्सर। आप रोज़ वाटर स्प्रे करके भी आप जा सकते हैं आराम से, लेकिन आप अगर थोड़ा हैवी मेकअप करते हैं, सामने जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है या कोई फेस्टिवल में आप थोड़ा मेकअप करते हैं, एलोवेरा विद विटामिन ई है जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और आपके मेकअप को फिक्स करके भी रखेगा। मैंने बिगिनर्स के लिए सोच के अफोर्डेबल वर्शन एंड मिड रेंज वर्शन मैंने आपको दिखाया है, जो मैं यूज़ करती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे वीडियोज़ का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत गर्मी लग रहा है। ओके, बाय।